महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। सियासत, सिनेमा और क्रिकेट के कई सितारों ने वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुंबई के एक बूथ पर वोट डालने पहुंची। इस दौरान उनकी मुलाकात 93 साल के एक रिटायर्ड सैनिक से हो गई। इस बुजुर्ग से स्मृति ईरानी बेहद आत्मीयता से मिली और उन्हें गले लगा लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज के हीरो खन्ना अंकल है। स्मृति ने कहा कि जो लोग वोट डालने से कतराते हैं उनके लिए खन्ना जी प्रेरणा का स्रोत है। स्मृति ने कहा कि अगर ये 93 साल की उम्र में वोट डाल रहे हैं तो आपको मतदान करने से किसने रोक रखा है। केंद्रीय मंत्री से मिलकर 93 साल के खन्ना जी ने कहा कि स्मृति ईरानी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। आपको बता दें कि रिटायर्ड सैनिक खन्ना सुबह से ही स्मृति ईरानी के लिए इंतजार कर रहे थे। स्मृति ईरानी जब उनसे मिली तो उन्होंने अपने घर के लिए खरीदे गए फल को केंद्रीय मंत्री को बतौर गिफ्ट सौंप दिया। खन्ना से मुलाकात कर स्मृति ने कहा, आज के हीरो खन्ना जी हैं। इन्होंने आर्मी में सेवा दी है। वे 93 साल के हैं और वोट डालने के लिए निकले हैं। खन्ना जी प्रेरणा का स्रोत है। मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि वो घर से बाहर निकले और वोट करें। अगर 93 साल की उम्र में वो वोट देने के लिए बाहर निकल सकते हैं तो आपको किसने रोक रखा है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हो रहा है। ताज़ा कंडों के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 30.63% मतदाता वोट डाल चुके हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में एक सखी मतदान केंद्र बनाया गया है जहां सुरक्षा बल समेत सभी मतदान कर्मी महिला हैं। यहां पर सुबह से मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अगले सप्ताह दिवाली को देखते हुए मतदान केंद्र को जाने वाले रास्ते पर रंगोली बनाई गई है और मुख्य द्वार पर लिखा है शेप टुमारो बाय वोटिंग टुडे। बता दें कि पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ बांद्रा के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि, बेटे अर्जुन थे। बांद्रा के पोलिंग बूथ पर पोलिंग ऑफिसर ने वोट डालने आए सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट की गेंद पर ऑटोग्राफ की गुजारिश की। सचिन तेंदुलकर ने लेदर की लाल गेंद पर अपना ऑटोग्राफ दिया। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।